सोशल मीडिया पर आप सबके चहेते खबरों का आईना लेकर लाते हैं आपके पास सुबह शाम 8 बजे आपके पास सादर जय जयंत करते हैं रविवार आज की शुरुआत 8 खबरों के साथ। आज रोचक भी, बढ़िया भी, हैरानगी करने वाले भी, हंसाने वाले भी और रोमांचक रूप में भी, अद्भुत रूप में भी। आज की पहली खबर सागर के साथ, मध्य प्रदेश के सागर से, जहां मुनि पुंगा श्री सुधा सागर जी चतुर्मासुर बस वहीं के क्षेत्र में बोलते हैं, वहीं पर है बागराज क्षेत्र। वहीं की कमेटी के द्वारा जो सूचना मिली है वह आपको दे रहे हैं। इसकी पुष्टि चैनल महालक्ष्मी नहीं कर पाया, पर यह कैसा चमत्कार है, कैसी अभिव्यक्ति है, विश्वास नहीं होता कि यहां पर 6 माह से श्री पार्श्वनाथ जिलालय में केसर युक्त गंधोदक की जैसे बरसात हो रही है। कोई पुरानी कहानी नहीं सुना रहे, वर्तमान की बात बता रहे हैं और ऐसा पिछले 6 माह से बार 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 देखा जा रहा है। यहां देख रहे हैं आप, कहते हैं जल डालते हैं वह केसर का बन जाता है, अभिषेक करते हैं केसर बन जाता है, केसर दूर दूर तक दिख रहे हैं अपना, लगता है जैसे जानबूझकर केसर बिका के ये वीडियो बना के आपको परोस दिया है, पर ऐसी बात नहीं है। ये हकीकत की बात है, जो वहां पर रोज आते हैं वो दांते तले उंगली दबाते हैं, नहीं समझ पाते हैं ये करिश्मा कौन सी अदृश्य शक्ति का है, आपको एक बार देखना चाहिए। कहते हैं यह जब उसे होना लगा है तो यहां पर अतिशय की बरसात भी हो रही है, जैसे मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, जो जो आता है वह वह बातें पूरी करता है, रोग हरण हो गया है, मंत्र जाप शुरू हो गए, बहुत कुछ यहां पर कहते हैं अपने आप, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जैसे यहां कर विराजमान हो गई है और वही अपने रूप दिखा रही है। एक बार आइएगा सागर के अंदर बागराज क्षेत्र के इस पार्श्वनाथ जिनालय में। दूसरी खबर बात करें, आज सब रोचक और खास, नो नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। जी हाँ, ये डाक टिकट है, आप कहेंगे शत्रुंजय पालिताना का, 15 अगस्त 1949 को जारी हुआ था। हम कह सकते हैं इतना महंगा टिकट आज तक जारी नहीं हुआ। यह है 15 रुपए का, आप कहेंगे आज तो 150 रुपए का टिकट आ गया है, लेकिन तब 1949 के 15 रुपए आज 15,000 की कीमत वाले थे। द मोस्ट वैल्यूएबल टिकट एनी इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज दिस वन फॉर जैन पीपल। शत्रुंजय पालिताना के ऊपर 15 रुपए का टिकट 1949 में जारी किया गया है। अनेक तीर्थों पर अनेक टिकट जारी किए हुए हैं, 4 आने, 6 आने, 8 आने, 25 पैसे, कई इस तरह के 1 रुपए के बहुत तीर्थों पर है, पर सबसे महंगा टिकट अगर जारी हुआ है तो वह जैन तीर्थ पर हुआ है। लगता है ना, अच्छी बात, अच्छी खबर के साथ तीसरी की शुरुआत। और अब दृश्य देख रहे हैं आप नंदनी तीर्थ से। हाँ, क्या कहा? हाँ सही बात है, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनिराज खाजा पूरे संघ के साथ चतुर्मास हो रहा है, और जो दीक्षार्थी बहने आई है ना, उनकी दीक्षा पता है कहां होनी है? दिल्ली होनी है। आचार्य श्री विमर्श सागर जी पूर्वी दिल्ली के किशनगर में खड़े रहे हैं चतुर्मास, बस उन्हीं से दीक्षा बने, यहां गोद भराई कार्यक्रम में आई, गुरुवरों के आशीर्वाद लेने आ रही हैं, जगह जगह जाती हैं, और यहां पर अलग ही उत्साह था और अलग रूप से आशीर्वाद मिला, उपदेश मिला, संदेश मिला, कुछ ऐसी बातें मिली कि आप जीवन में ग्रहण करके उस दीक्षा के रास्ते पर जब बढ़ोगी तो वह आपके लिए बहुत कारगर होगी। चौथी पॉजिटिव खबर, थोड़ी हैरानगी वाली खबर, ये पता नहीं दिगंबर संत होते कैसे हैं, तपत्या की ऐसी पराकाष्ठा करते हैं कि लोगों के पैरों के नीचे धरती खत्म हो जाती है, हिल जाती है, पता नहीं चलती है। 5 दिन का उपवास, जी हाँ वहीं से बात कर रहे हैं, नंदनी से बात कर रहे हैं आपके पास, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के सुशिष्य की बात कर रहे हैं। यह है मुनिश्री अनुत्तर सागर जी, बड़ौत के बाद, इंदौर के बाद, अब यहां पर क्या बात है, 5 दिन का उपवास, फिर ये आहार। कभी कोशिश कीजिएगा, 10 लक्षण धर्म आ रहे हैं, उपवास की ट्राई शुरुआत कीजिएगा। कहते हैं अपने मन को शांत करने के लिए और
अंदर की कषायों को निर्मल करने के लिए, शमन करने के लिए उपवास से श्रेष्ठतम कोई उपाय नहीं है। न क्रोध आएगा, न मान आएगा, माया चली जाएगी, लोभ क्षीण हो जाएगा। एक बार कोशिश कीजिए 5 दिन के उपवास के बाद। अब ये अनुत्तर सागर का आहार देख रहे हैं। सहायक पुलिस महानिरीक्षक भोपाल मुख्यालय से मलय जैन, श्रमदान हथकरघा प्रण किया था इन्होंने आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज के सामने कि जब मैं राष्ट्रपति पुरस्कार का मेडल लूंगा तो श्रमदान हथकरघा में ही लूंगा। देख रहे हैं आप, राष्ट्रपति मेडल पुरस्कार सम्मान जो है ने जब मुख्यमंत्री से मिला तो कहते हैं जैन धर्म का, जैन संस्कार वालों के, जैन समाज का सीना अपने आप गौरवान्वित हुआ। दृश्य वही के हैं जब उन्हें राष्ट्रपति मेडल से सम्मान। मुख्यमंत्री पॉजिटिव खबर, पुलिस अधीक्षक आगम जैन, कहां के दृश्य हैं, खजुराहो के हैं, जहां पर आचार्य श्री समय सागर जी का चल रहा है चतुर्मास, बस उन्हीं से लिया आशीर्वाद। और उसके बाद इनको ब्लू स्टार कंपनी की ओर से 47 वाटर प्यूरिफायर कानपुर से एक दानवीर ने दिए कि विभिन्न थानों में जाएंगे। और कहते हैं पुलिस वाले ही नहीं, जो वहां पर पहुंचते हैं सहयोग के लिए, सुरक्षा के लिए, शिकायत के लिए, उन सबको भी अब शुद्ध पानी की व्यवस्था हो पाएगी। देख रहे हैं जब उन्हें 47 स्थानों के लिए ये ब्लू स्टार प्योरीफायर दिए गए, है ना अच्छी खबर। पॉजिटिव पॉजिटिव बात करेंगे, पर अब थोड़ी रोमांच, हैरतअंगेज, अमेजिंग, गजब की बात करेंगे 7वीं खबर के साथ। और ये खबर है केरल से, देख रहे हैं आप। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस की एक आप कहेंगे हाँ। देखिए जब इंसान नहीं कर पाते तो फरिश्ते कर देते हैं, एक बार नहीं 2 बार देख लेते हैं। यहां पर ध्वजारोहण के लिए ध्वज को ऊपर लगाया गया और वो खट खट खट, अरे खुला ही नहीं, उधर से दौड़ता हुआ पक्षी आया, उसने खोला और खोल के चले दिया। विश्वास नहीं हो रहा, पर जब चित्र कैमरे में कैद हो जाते हैं तो सचमुच एक सचमुच अविश्वसनीय को कैद करके आंखों सामने रोमांच पैदा करते हैं कि जो इंसान नहीं कर पाते वे पक्षी फरिश्ते बनकर कर जाते हैं। हम तो खट 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 करते रहे और उसने आके उस गांठ को खोला अपनी चोंच से, खोलने के बाद लहराने के बाद चल दिया। वास्तव में ध्वजारोहण तो इस पक्षी ने किया। जाते जाते 8वीं खबर और भी ज्यादा रोमांचक। जी हाँ, कहां से बात कर रहे हैं, अयोध्या से, और वही बिल्कुल स्वतंत्रता दिवस के दिन की है। राम जन्मभूमि थाने की है, क्या कहा आपने, खबर देख रहे हैं। अरे सीट पर देखिए SHO साहब, देखिए कौन सा बैठे हैं, कांस्टेबल हाथ जोड़ रहा है ना, और बैठे हैं श्री राम जी के खास भक्त, जिसे कहते हैं हनुमान जी, जिसे कहते हैं बजरंगबली। बस हमारे बंदर मियां जी आकर बैठ गए SHO की सीट पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, क्योंकि वो तो गए थे बाहर, तो कहा अंदर ड्यूटी कौन देगा, बंदर साहब बैठ गए और कांस्टेबल हाथ जोड़ के राम राम कर रहे हैं। क्या करें, यह है अयोध्या के राम जन्मभूमि थाने की खबर के साथ, है ना आज 8 पॉजिटिव 9 नेगेटिव। सादर जय जय हिंद।